दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसने नापी थी? नॉर्मली सब यही सोचेंगे कि इतना बड़ा काम करने वाला कोई विदेशी ही होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाले सबसे पहले व्यक्ति पंडित राधानाथ सिकदर थे, जो एक भारतीय थे। दोस्तों, अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई नापने वाला व्यक्ति एक भारतीय था, तो आज पूरे विश्व में उस पर्वत को एक अंग्रेज के नाम से क्यों जाना जाता है? इस वीडियो में हम आपको पंडित राधानाथ सिकदर जी के साथ हुए अन्याय के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह बात है 1831 की। 1831 में जब अंग्रेज सरकार ने पूरे भारत के सटीक सर्वेक्षण के लिए द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे चलाया था, जिसकी जिम्मेदारी जॉर्ज एवरेस्ट को दी गई थी, जो तब का सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था। जॉर्ज एवरेस्ट को अपनी सहायता के लिए एक ऐसे गणितज्ञ की तलाश थी जिसने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल की हो। तब बंगाल के हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे 19 साल के राधानाथ सिकदर को एवरेस्ट ने 30 रुपये प्रति माह के वेतन पर कंप्यूटर के पद पर नियुक्त किया। दोस्तों, उस समय कंप्यूटिंग का काम मशीन नहीं इंसान करते थे। एवरेस्ट के रिटायर होने के बाद एंड्रयू स्कॉट वॉ को सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। उसने 1852 में सिकदर को पहाड़ों की ऊंचाई नापना शुरू करने के लिए कहा। सिकदर ने बिना किसी आधुनिक टेक्निक और उपकरण के सिर्फ एक टेलीस्कोप थियोडोलाइट की मदद से भारत के 6 अलग अलग हिस्सों में पीक XV का अध्ययन कर उसकी जानकारी प्राप्त की और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का पता लगाया और कहा कि यह कंचनजंगा से भी ज़्यादा ऊँचा है, जिसे तब तक दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था। सिकदर ने इसकी ऊंचाई की गणना ठीक 29,000 फीट की थी, लेकिन एंड्रयू स्कॉट वॉ ने इसे और अधिक विश्वसनीय आंकड़ा दिखाने के लिए इसमें 2 फीट और जोड़ा। आधिकारिक ऊंचाई की घोषणा 1856 में 29,002 फीट के रूप में की गई और एंड्रयू स्कॉट वॉ ने पर्वत का नाम भी अपने गुरु जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया। अंग्रेजों ने सफलता का श्रेय कभी भी पंडित राधानाथ सिकदर जी को नहीं दिया था। एक सदी बाद 1955 में एक भारतीय सर्वेक्षण ने 29,029 फीट की ऊंचाई की घोषणा की। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी आज़ाद भारत उस चोटी को अंग्रेजों के नाम से जानता है और आज भी हम अपनी गौरवशाली प्रतिभाओं का उचित सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शेयर करें, जिससे वो सभी सच्चाई जान सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।